नमस्कार, खबर फिरोजपुर से है। फिरोजपुर में विजिलेंस विभाग ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में तैनात एक इंस्पेक्टर को शराब ठेकेदार से 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। विजिलेंस के एसएसपी हरगोबिंद सिंह ने बताया कि शराब के ठेकेदार गुरमीत सिंह से, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के इंस्पेक्टर हैं दीप दीदार सिंह, वो उनको धमकाकर 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। 20,000 रुपए ठेकेदार गुरमीत सिंह ने पहले दे दिए, इसके बाद उन्होंने विजिलेंस विभाग को शिकायत की। उनकी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर दीप दीदार सिंह को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सरकारी गवाहों के सामने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमारे रिपोर्टर मंजीत सिंह ने क्या जानकारी दी, क्या कहा एसएसपी ने, आइए बताते हैं। इस शिकायत पे साड़ी विजिलेंस टीम, जिस विच डीएसपी गुरिंदर जी फाजिलका, इंस्पैक्टर दीप अमनदीप अते होर विजिलेंस स्टाफ वालों दोदा कस्बा विखे ट्रैप लगाया गया सी। जो ही आबकारी इंस्पैक्टर दीप दीदार सिंह, जो गिदरवा जोन का इंचार्ज है, अपनी कार ते शराब के ठेकेदार के दफ्तर में उन्होंने रिश्वत के पैसे लैन हासिल करने वास्ते उत्थे पुजा और उसने रिश्वत के जो ही पैसे हासिल किए तो साड़ी विजिलेंस टीम ने उसनों मौके पर रंगे हत्थी काबू कर लिया। कितने पैसे जी?